जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी से वादा किया था कि मैं जो अगला वीडियो लेकर आऊँगी उसमें आपको गुप्त नवरात्रि के कुछ विशेष उपाय, अषाढ़ की जो गुप्त नवरात्रि होते हैं उसके लिए कुछ विशेष उपाय, जिससे आप अपने कार्य को सहज रूप से कैसे संपन्न कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अवश्य बताऊँगी। और मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे उपाय लेकर आई हूँ, आप ध्यान दें। आप यदि नौकरी में तरक्की चाहते हैं या आप बेरोजगार हैं, बहुत समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो आप रोजगार प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं, 9 बताशे ले लें और हर बताशे पर 2 लौंग रखें। अब सारे बताशे एक एक करके माँ दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय नवरात्रि की किसी भी रात्रि को कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फलीभूत, क्योंकि इस बार की जो प्रतिपदा तिथि आ रही है बहुत सारे योग लेकर आ रही है, बहुत सुंदर सुंदर संयोग लेकर आ रही है। आप ये कार्य अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं और उसके बाद आप इन बताशों को उठाकर गाय को खिला सकते हैं या जल बहते जल में या किसी वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हैं। और यदि आपका विवाह नहीं जम पा रहा, विवाह योग्य हैं, आप चाहे कन्या हैं या पुरुष, आपका यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप शीघ्र विवाह के लिए माँ दुर्गा के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और इसके बाद माँ के समक्ष लाल फूलों की माला उन्हें अर्पित करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। यह प्रयोग आपको हर नवरात्रि को करना होगा। सुबह जब आप स्नान कर लें उसके बाद आप लाल फूलों की माला लेकर माँ को अर्पित करें और एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब देखना, बहुत ही जल्दी आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। और जीवन में यदि आप तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो देवी मंदिर में एक लाल रंग का झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। बहुत ही सुंदर उपाय है ये, और मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसने भी इस उपाय को किया बोला चमत्कारिक, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। और इससे हमने जो भी इच्छा से इसको मंदिर में चढ़ाया, समर्पित किया, हमारी वो इच्छा अवश्य पूरी हुई है। धन लाभ के लिए नवरात्रि के दिनों में हर रोज बजरंगबली को पान का बीड़ा अवश्य अर्पित करना चाहिए और माता रानी को 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर अर्पित करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए चांदी या सोने का सिक्का घर पर लाने से बरकत आती है और ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, आपको ऐश्वर्ययुक्त जीवन मिलता है। आप कर देखें। इन उपायों में से जो भी आपको लगता है कि आपके लायक उपाय है, उसे विश्वास करके, पूरी श्रद्धा रख के आप करेंगे तो आपको वह उपाय अवश्य फलीभूत होगा और आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, अवश्य दूर हो जाएगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएँ। ओम नमः शिवाय।